दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगर आपके पास कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम यहां पर अपने फ़ोन के अंदर काइन मास्टर एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं और उसके बाद जब हम इसे ओपन करते हैं तो यहां पर आ जाता है इज नॉट रेस्पॉन्डिंग, यानी कि हमारा काइन मास्टर यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है और आ जाता है क्लोज ऐप वेट और यहाँ पर आ जाता है सेंड फीडबैक। तो अगर आपके पास किसी भी एप्लीकेशन को यूज करते वक्त आपके सामने इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे हमारे पास काइन मास्टर को यूज करते वक्त हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गया है, तो मैंने इसे कैसे हटाया है, कैसे मैंने इसे सॉल्व किया है, वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। क्योंकि ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये हमारे पास स्क्रीनशॉट है और इस प्रॉब्लम को मैंने पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है अपने फ़ोन के अंदर। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए तभी आपको पता चलेगा कि आखिरकार किसी भी एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको इस तरीके का एरर आ जाता है तो उस एप्लीकेशन को कैसे आप सही कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहां से बैक आना है, यानी कि अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पर आ जाना है। अब हम यहां पर आपको सबसे पहले दिखा देते हैं अपना काइन मास्टर ओपन करके कि हमारा अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। तो यहीं पर हमारा काइन मास्टर है, उसे हम ओपन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं अच्छे से। और ये हमारा काइन मास्टर रहा और इसे हम यहाँ पर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा काइन मास्टर है पूरी तरीके से ओपन हो जाता है, इसके अंदर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है और कुछ भी हम यहाँ पर एडिट करना चाहते हैं आसानी से हम एडिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसे सॉल्व किया है और आपको कैसे सॉल्व करना है तो वो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने से पहले हम आपको बता देते हैं जिस एप्लीकेशन के अंदर आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाता है इज नॉट रेस्पॉन्डिंग, तो आपको यहां पर करना क्या है कि उस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाकर चेक करना है कहीं आपके उस एप्लीकेशन के अंदर एक नया अपडेट तो नहीं आया है जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है। तो जैसे हम यहाँ पर सर्च करेंगे काइन मास्टर, तो जैसे मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया काइन मास्टर और उस पर आपको क्लिक करना है, आपके पास जो भी एप्लीकेशन हो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखना है अगर उस एप्लीकेशन के अंदर अपडेट आया हुआ है तो उस एप्लीकेशन को सबसे पहले आपको अपडेट कर लेना है और आपका सारा प्रॉब्लम ऑटोमेटिक यहाँ पर फिक्स हो जाता है। अगर आपका यहाँ पर फिक्स नहीं होता है तो अब यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको अपने उसी एप्लीकेशन पर लॉन्ग प्रेस करना है, यानी कि कुछ देर आपको दबा के रखना है। यहाँ पर आ जाता है एक छोटा सा आई बटन, आप इस पर क्लिक कर देंगे। आई बटन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि उस एप्लीकेशन का आपको यहाँ पर मिल जाएगा स्टोरेज, आप उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है सबसे नीचे क्लियर चेस और मिल जाता है क्लियर डेटा, तो आपको क्लियर चेस पर क्लिक कर देना है, उसके बाद क्लियर डेटा पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो यहाँ से आप ओके कर देंगे तो आपका वो एप्लीकेशन पूरी तरीके से रेफ्रेश हो जाएगा। आपके उस एप्लीकेशन में अगर अकाउंट लॉगिन होगा, कोई भी आईडी लॉगिन होगी, तो वो आपकी हट जाएगी, फिर से आपको लॉगिन करना होगा। तो इस तरीके से आपका एप्लीकेशन पूरी तरीके से फ्रेश हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब आपको एक बार ये भी चेक कर लेना है, कभी कभी आपके फ़ोन के ही अंदर एक नया अपडेट आ जाता है जिसकी वजह से आपका कोई एप्लीकेशन वर्क करना बंद कर देता है, तो अपने फ़ोन को आपको चेक करना है कि आपके फ़ोन में कहीं अपडेट तो नहीं आया है। अगर आपके फोन में अपडेट आया है तो उसे भी आपको चेक करना है। तो उसको चेक करने के लिए आपको अपना सेटिंग को ओपन कर लेना है अपने फोन में। जब आप सेटिंग को ओपन करते हैं तो यहां पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सॉफ्टवेयर के नाम से, देख सकते हैं, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डाउनलोड एंड इंस्टॉल, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएगा कि हमारे सॉफ्टवेयर में अपडेट आया हुआ है या नहीं, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे, चेकिंग हो रहा है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो पूरी तरीके से अपडेट है, क्योंकि मैंने कल ही मैंने अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया है। तो यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर योर सॉफ्टवेयर इज अप टू डेट, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अगर आपके पास इस तरीके से नहीं आता है और आपको यहाँ पर मिल जाता है डाउनलोड का ऑप्शन, तो आपको अपने सॉफ्टवेयर को सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद उसको इंस्टॉल कर लेना है, तो सॉफ्टवेयर आपका पूरी तरीके से अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपका कोई भी एप्लीकेशन हो इस तरीके से एरर नहीं आएगा उस एप्लीकेशन के अंदर और अच्छे से आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। और आपको एक बार ये भी चेक कर लेना है, एक बार अपने फ़ोन का भी स्विच ऑफ करके उसे ऑन कर लेना है। कभी कभी आपके फ़ोन में हल्का फुल्का एरर आ जाता है जिसकी वजह से आपका कोई एप्लीकेशन काम नहीं करने लगता है, तो एक बार अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके उसे ऑन भी कर लेना है और आपका कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगा और सारा प्रॉब्लम आपका फिक्स हो जाएगा। तो मैं आशा करूँगा आज आपको बात समझ में आ गई होगी कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।